आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाऊंगा जिनके बारे में आपने सुना तो होगा पर कभी देखा नहीं होगा। जैसे कि आप जानते हो, अगर हमारा हाथ कहीं कट जाए तो हमारा शरीर उसे धीरे धीरे रिकवर करना शुरू करता है, पर क्या आपने कभी ध्यान से देखा है कि वो कैसे फिर से नॉर्मल होता है? तो ये देखिए, हाथ में चोट लगने से लेकर रिकवर होने तक का वीडियो। इस आदमी ने कुछ दिनों तक अपना हाथ एक ही जगह रख कर उसके हर एक दिन फोटो खींचे और बाद में उन्हें जोड़कर ये शानदार वीडियो बना दी। इन बादलों को देखकर आपको लग रहा होगा कि ये एडिटिंग है, पर जी नहीं, ये बादल असली है। इन्हें कहा जाता है ट्रिपी क्लाउड या फिर मैमेटस क्लाउड। ये घटना बहुत ही ज्यादा रेयर है। क्या होगा अगर आप किसी बर्फ से बने छेद में बर्फ का बड़ा सा टुकड़ा फेंकोगे? वाव, कितनी कमाल की आवाज आ रही है। बर्फ में बने छेद की गहराई 1 से 2 किलोमीटर तक हो सकती है। जैसे कि हम सबको पता है कि सांप अपनी स्किन बदलता रहता है, आप सबने ये सुना होगा, पर क्या आपने इसे इतने करीब से कभी देखा है? और हाँ, क्या आप जानते हो, सांप सिर्फ अपने शरीर से नहीं बल्कि आंखों की भी स्किन बदलता है। बॉल पेन तो सबने यूज किया ही होगा, पर वो काम कैसे करता है? ये देखिए, माइक्रो व्यू ऑफ अ बॉल पेन। रिफिल के अंदर बॉल सेट होती है जो रोटेट होती है। ये आपको क्या लग रहा है, गेस कीजिए। ये है हाईएस्ट क्वालिटी वीडियो ऑफ द सन। जी हाँ, ये वीडियो सीधे अर्थ से रिकॉर्ड हुई है, अब तक की सूरज की सबसे HD वीडियो। आपने बिजली गिरते बहुत बार देखी होगी, पर यह नहीं देखा होगा कि बिजली कहाँ गिरी है। क्या होता है जब बिजली किसी पेड़ पर गिरती है? ये देखिए, इस पेड़ पर बिजली गिरने के बाद क्या हुआ, पेड़ अंदर से पूरी तरह जलने लगा। यह है लीफ कटर एंट्स, और आपको समझ आ जाएगा कि इन्हें यह नाम क्यों पड़ा है। किसी कटर की तरह ये पत्ते को काटती जाती है। आपने ईगल्स को ऊंचे आसमान में उड़ते हुए देखा होगा, और वो भी बिना पंख हिलाए। पर कभी आपने सोचा है कि ये अपने पंखों की मदद से इतना ऊंचा उड़ कैसे पाते हैं? असल में वो अपने पंखों की मदद से हाई एरोडायनामिक लिफ्ट जनरेट करते हैं, जिसकी मदद से वो अपने आप को लिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इसकी वजह से वो बिना पंख हिलाए इतना ऊंचा उड़ पाते हैं। आपने हाईवे पे ये बोर्ड्स देखे ही होंगे जो कार की लाइट पड़ते ही रात के समय में ग्लो करते हैं। जी हाँ, फ्लोरोसेंट कलर। ये जो आप देख रहे हो, इस पत्थर से हमें फ्लोरोसेंट कलर मिलता है। स्पाइडर्स, जैसे कि हम सब जानते हैं कि स्पाइडर्स जाल बुनते हैं, और आपने देखा होगा कि जाल कितना प्रॉपर डिजाइन में होता है। ये देखिए, कितने एक्यूरेसी के साथ ये अपने जाल को बुनते हैं। सच में ऑसम। वाव, डैम के बीचों बीच में एक बड़ा सा होल। एक्चुअली ये होल आर्टिफिशियल है, डैम ओवरफ्लो ना हो जाए इसलिए इस होल को डैम में बनाया गया। सॉल्यूशन विद अ क्रिएटिविटी। रेसिंग कार्स, आपको पता ही होगा कि रेसिंग ट्रैक पर कार्स बहुत तेजी से भागती है, पर क्या आपने इसे इतने करीब से देखा है? सीरियसली, दूर से देखने से कहीं ज्यादा फास्ट होती है। हमने सुना है कि ट्रेन के ऊपर के केबल्स में बहुत ज्यादा करंट होता है जो ट्रेन को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं,
जरा उनके बस को करीब से देखिए। अब आप समझ गए होंगे कि उनके बस में हजारों वोल्ट्स का करंट सप्लाई होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहे हमारे चैनल के वीडियोज़।